वेलकम बैक टू द चैनल। आज आयुष और मैं खड़े हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जंगल के बीच में क्या कर रहे हैं। हमको आज मिली है नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर ओकिनावा, और सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले बता दूं, मैं ये इंडियन मेड स्कूटर है, तो सुनने में आपको जितना ही ये सुशी लग रहा होगा ना, पर ये है देसी तड़का। तो इंस्पायर्ड बाय जापान जो है ओकिनावा, ये स्कूटर आज हमको मिला है घूमने फिरने के लिए। एक्चुअली हमारे कजन ने खरीदा, तो हमने रिक्वेस्ट करी थी भैया ये स्कूटर हमको दे दो। आज क्या हुआ कि पेट्रोल भर भर के हमारी जेब खाली हो रही है, तो हमने सोचा यार कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाया जाए, थोड़ा इसको टेस्ट राइड करा जाए, थोड़ा देखा जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले इसका एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। तो ये है ओकिनावा रेड एंड ब्लैक कलर में प्रेज प्रो, और ये इसका जो है लुक है। फिलहाल अभी तक नंबर नहीं आया है, क्योंकि लास्ट वीक ही जो है ये शोरूम से उठाया गया है। और ब्यूटीफुली रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप में स्कूटर है, दैट इज द फ्रंट। चलो बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसकी चाबी दिखा देते हैं यार, जिसमें तीन फीचर्स आते हैं। ये हो गया अनलॉक, ये हो गया लॉक, और जो सेंटर वाला बटन है वो है इग्निशन ऑन करने का, जिससे आपका क्या है DRL लाइट्स जो है वो ऑन एंड एक्टिवेट हो जाती हैं। तो बटन सिस्टम्स में आपका लो बीम हाई बीम आ जाता है, लेफ्ट साइड हॉन्क है, राइट साइड हॉन्क है, नीचे इंडिकेटर्स हैं, टर्बो के बारे में अभी बात करेंगे, लाइटिंग सिस्टम है ऑफ हो जाती है इसमें, और ये आपका स्विच मोड है जिसमें आपका स्पोर्ट्स मोड आ जाता है और एक इकोनॉमिक मोड आ जाता है। फ्रंट में इसके ब्यूटीफुली क्राफ्टेड जो है LED लाइट्स हैं, साइड पैनल में आपके DRLs हैं, बहुत ही कूल लग रहे हैं, जो कि ऑन भी रहते हैं जब तक कि आप स्विच ऑफ ना करो गाड़ी को। इंडिकेटर्स हैलोजन है, पीछे आपका जो है बेसिक ब्रेक लाइट्स है, लेकिन आपके जो है LED इंडिकेटर्स दिए। अगर टायर की हम बात करेंगे तो इसमें 90 नंबर का जो है 12 इंचेस के टायर आगे पीछे दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं विद द अलॉय व्हील्स, क्रोम एंड ब्लैक डिजाइन, और साथ में इसके आते हैं डुअल डिस्क ब्रेक्स, जो कि आपको रेयरली देखने को मिलती है। अभी जो EV नई अभी लॉन्च ही हो रही हैं, आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि दूसरी कंपनीज में जो है डिस्क ब्रेक्स हैं कि नहीं, बट पीछे और आगे दोनों में डिस्क ब्रेक है विच वर्क्स परफेक्टली। तो आफ्टर एक्सेसरीज में जो इसके गार्ड्स वगैरह हैं वो जो है कंपनी के थ्रू ही आप प्रोवाइड हो जाते हैं, बट ये है कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द गार्ड। बूट स्पेस इसमें आप जीरो समझ लीजिए, निल है। सिर्फ बेसिक चीज़ें जैसे आपका चार्जर हो गया वो रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसके लगी है बैटरी। तो ये जो एक ड्रॉबैक मेरे को लगा, क्योंकि इसमें बूट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बेसिकली हेलमेट वगैरह रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बाकी चार्जर वगैरह छोटा मोटा बिल्कुल माइन्यूट सा सामान आ सकता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है वो मैं आपको बता देता। ड्रॉबैक जो मैंने आपको बता दिया इसका कि इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन उसका भी कोई रीज़न ही होगा, क्योंकि इसमें अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी इसकी बैटरी आ जाती है। तो ये बैटरी जो है इसने सारी एरिया जो है इसका कवर कर लिया है, बट इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इस बैटरी को आप डिटैच कर सकते हैं इजीली। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सिंपल सा इसका एक बटन है जिसको आप पुल करेंगे, बहुत इजीली डिटैच हो जाएगी ये बैटरी। अब इसका बेनिफिट क्या है, बैटरी डिटैच करने का बेनिफिट मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको वापस रख देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी हैवी है। जैसे मोस्टली अभी जो अदर कंपनीज की जो EVs आ रही हैं स्कूटर में, उसमें बूट है बट उसमें बैटरीज जो है वो आप डिटैच नहीं कर सकते। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पर आपके पास जहाँ पार्किंग है वहाँ पर सॉकेट नहीं है चार्ज करने का, तो बैटरी डिटैच करी, ऊपर ले गए, घर में इसको चार्ज करा, वापस लगा के डिटैच कर दी। और इन केस अगर आप ऐसे किसी जंगल में फंस गए जहाँ बैटरी आपकी ख़त्म हो गई, तो आप ये बैटरी डिटैच करके किसी भी घर में जाके कह सकते हैं कि यार प्लीज़ इसकी बैटरी चार्ज करने दो थोड़ी देर, आप चाय की दुकान में भी चार्ज कर सकते हैं इसको, मैगी खाते हुए भी चार्ज कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है एक प्लस पॉइंट है जो कि मोस्टली दूसरी EVs में नहीं मिलती है। तो हम अब आते हैं बात पे कि इसका जो है चार्जर कैसा है। तो लाइट वेटेड इसका बिल्कुल चार्जर है, और सॉकेट अगर आप देखेंगे तो किसी भी आपकी जैसे आयरन हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, फ़ोन का चार्जर हो गया, उस टाइप का ही सॉकेट है, आपके घर में लग जाएगा बिल्कुल आराम से। तो इसको आप अपने घर के किसी भी सॉकेट में लगाएं, इसको आप ऑब्वियसली चार्जिंग पॉइंट में लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है चार्ज करने का, इसका ढक्कन हटाया, जहाँ एरो है वहाँ उसको लगाया और लॉक कर दिया, क्लिकिंग साउंड जब आएगी उसका मतलब लॉक हो गया। ये इसका यहाँ पर फ़ैन है, इन केस अगर ये बैटरी जो है चार्जर थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फ़ैन जो है इसकी हीट एग्जॉस्ट आउट कर देता है। तो ये तो इसको हो गया चार्जर, 3 घंटे में बैटरी फुल्ली चार्ज, 3 घंटे में। सुबह 6 बजे उठे, अपना बैटरी लगाई चार्जिंग में, और 9 बजे ऑफिस जाने से पहले आपकी गाड़ी रेडी टू गो है, नॉट जस्ट इन द टाउन, आप टाउन क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज इसकी जो रेंज है ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर की रेंज है। बट उसमें एक थोड़ा सा कैच है कि अगर आप 2 जने जा रहे होंगे ना, तो 2 जनों की बैटरी में जो पावर है वो अराउंड 60 to 65 किलोमीटर तक की है। सिंगल में जो आप अगर राइड करेंगे तो 80 to 85 किलोमीटर की इसकी जो है रेंज आ जाती है, जिसमें आई थिंक अगर हम देहरादून जैसे शहर में, तो दूसरे शहर में पहुंच के वापस भी आ सकते हैं। और बाद अगर 2 जनों को ड्राइव करने की हो रही है, तो मैं और आयुष क्या करते हैं इसमें बैठ के दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी इसमें स्पेस है, इसकी सीटिंग में कितनी स्पेस है। चल आयुष यार,
अब आयुष और मैं बैठ के दिखाएंगे इसमें स्पेस कितनी है। चल आजा भाई आयुष। ओके, तो ये अपना हमने रख दिया पैर ऊपर, देख लो आप कितनी जगह है। कंफर्टेबल है? इनफ है। इंटरसेप्टर से ज्यादा कंफर्टेबल है? इंटरसेप्टर से ज्यादा कंफर्टेबल इसकी बैक सीट है यार। दुख हुआ सुन के, लेकिन अच्छी बात है। एक काम करते हैं यार आयुष, आई कांट वेट, मैं तो एक्साइटेड हूँ फिर से इसको राइड करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता रहूँगा क्या मेरे को फील हो रहा है और क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। लेट्स गो। ओके, तो मेरा पहली बार जो है किसी स्कूटी में मोटो व्लॉगिंग है एंड आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड। तो जैसे ही आप इसकी जो इग्निशन ऑन करते हैं ना, कंसिडर द स्कूटर इज स्टार्टेड, द स्कूटी इज स्टार्टेड। अगर आप नए हैं, पहली बार चला रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, ये चीज़ आप पहले वो ऑन कर देना, क्योंकि अगर ये क्लस्टर ऑन हो गया है, आपको यहाँ मीटर दिख रहा है, डिजिट्स दिख रही है, इसका मतलब ऑन है। यहाँ जैसे टच करोगे ना तो ये आगे चली जाएगी। तो जो नए लोग होते हैं ना, जिनको इसका आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, वो थोड़ा धोखे में आ जाते हैं और कभी कभी क्या ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो चलो लेट्स गो। वाओ, ओ बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है ना, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर पर्सन और मैं बिल्कुल जंगलों के बीच से ही कभी कभी मोस्टली वीडियो बनाता हूँ, और इस जंगल से गुजरते हुए जब ये स्कूटर चला रहा हूँ ना, तो पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है ये साइलेंस, ये क्वाइटनेस। वाओ, नेचर को इन्जॉय करने के लिए आई थिंक ये सबसे बढ़िया गाड़ी रहेगी। बाकी पावर इसमें काफ़ी है, ब्रेकिंग अल्टीमेट है कि पावर जितनी भी है एक्चुअली सिटी राइड्स के लिए तो मेरे को इनफ लग रही है। और एक बटन जो मैं आपको बताया था कि जो कि टर्बो बटन है, कभी कभी आप क्या है माउंटेन्स हिल्स में जा रहे हैं, तो अगर आप कहीं हिल टॉप में चढ़ते हुए अगर गाड़ी में पावर नहीं आ पाई, तो ये टर्बो जैसे ही आप दबाओगे ना बटन, तो 15 सेकंड के लिए बाइक इस स्कूटर में एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी। मतलब इट वर्क्स लाइक एन NOS, अगर आपने जैसे सुपर बाइक्स में सुना होगा, नाइट्रोजन जो है एकदम से बूस्ट दे देता है, तो ये जो है टर्बो बूस्टर है इसके लिए। दो रेयर मिरर्स, लाइट वेटेड है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे पूरा मेरे को दिख रहा है, इट्स वेरी सेफ। अप हिल में आ गया हूँ, इनफ पावर फॉर मी सिंगल पर्सन टू क्लाइम दिस। अच्छा खासा इंक्लाइन है इस रोड में, और फिर भी अराउंड 30-35 की स्पीड से, मैंने अभी पूरा पुश नहीं कराया थ्रॉटल, बट मैं एक बार टर्बो ट्राई करना चाहूँगा। ये दबाया मैंने टर्बो, ओके, ऑलराइट, आई कैन फील, मतलब एकदम से वो तो नहीं रही, 45 पहुँच गई अभी, स्ट्रेट रोड आ गई। तो टर्बो में पावर मतलब इन्हीं ऐसा कोई पुश तो नहीं देगी आपको, बट इट विल फुलफिल द पर्पस। अच्छा, प्राइसिंग की बात करें तो इस मॉडल का जो प्राइस ऑन रोड जो इस वक्त देहरादून में पड़ रहा है, ये अराउंड 92,000 का, तो अराउंड 80-82,000 की इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और बाकी जो है आपका इंश्योरेंस हो गया 3,000 का, जैसे कि भैया ने बताया, RC का हो गया टैक्स चार्ज, कुछ एरियाज़ में जो है बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी मिल रही है जिसमें आपको अराउंड 8-9,000 रुपीज़ जो है रिफ़ंड हो जाते हैं, बट उत्तराखंड में ये नहीं है। दिल्ली में है, दैट इज़ फॉर श्योर, दिल्ली में ये फीचर है कि आप गवर्नमेंट आपको 8-9,000 रुपीज़ जो है रिफ़ंड कर देगी जब आप ये खरीदेंगे, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में ये वाला मॉडल जो है प्रो अराउंड 92,000 ऑन रोड प्राइस है इसकी। सिटिंग पोजीशन मेरे को कंफर्टेबल तो है, बट इसका मेरे को, आई एम 5'10" और हल्के मेरे ना लेग्स ऊपर की तरफ हैं, जो ये इसका जो फुट रेस्ट है, जो एरिया है वो हाइटेड है, तो छोटे लोगों के लिए ठीक रहेगा मैं कह रहा हूँ, पर 5'10" एंड अबव, तो सिटी राइड के लिए तो चलो ठीक है यार, आधा एक घंटा चलाने के, लेकिन अगर हल्का सा लॉन्ग राइड के लिए ले गए ना आप 50 किलोमीटर, तो आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़ा सा ज़्यादा थकान सी लग जाएगी, क्योंकि जो सीट है ना इसकी थोड़ी सी अंदर काफ्ड है। तो चलो चेक करते हैं यार इसकी टॉप स्पीड। टॉप स्पीड तो मैं चेक करना नहीं चाहूँगा, बट ये कि हाँ देखूँगा कितना पुश कर सकते हैं। तो मैंने मैंने इकोनॉमी मोड में डाली हुई थी, अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाला है, तो पावर एकदम से चेंज हो गई। वाह, अभी 40-45 चल रही थी, लेकिन अब पावर बिल्कुल चेंज है, 67 की स्पीड में मैं हूँ, बहुत कंफर्टेबल राइड है, आवाज़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ विंड की आवाज़ आ रही है, और 69-68 नीचे आ गई। अच्छा हल्की, ओ 70, वाह 70 टच कर गया भाई, पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा आपको, कोई दिख रहा होगा, एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार वन मोर टाइम, लेट्स गिव इट अ ट्राई। थोड़ा हाई, थोड़ी चढ़ाई आ गई है, तो आई डोंट थिंक सो हो पाएगा ये, तो 70 मैंने टच करा दिया है। वाह, फील्स गुड मैन, बिल्कुल आपका लॉ वही है जो आपके स्कूटर और बाइक्स का लॉ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, इंश्योरेंस, RC,
पोल्यूशन का है तो नहीं, ऑब्वियसली क्यों होगा पोल्यूशन का, पीयूसी बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से इसमें, क्योंकि इसमें पोल्यूशन है ही नहीं, तो दैट इज द बेनिफिट। तो जब तक आयुष निकलता है टेस्ट राइड लेने के लिए, जो बहुत एक्साइटेड था कि भैया मैं भी टेस्ट राइड लूंगा, मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या फील करा, सुपर ह्यूमन वाला फील हुआ है। क्यों? सुपर ह्यूमंस का काम क्या होता है? सुपर ह्यूमंस का काम होता है दुनिया को बचाना। तो आई थिंक ये फ्यूचर में अगर आप ये गाड़ी चलाते हैं तो आप कार्बन एमिशन इतना कम कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अभी कुछ दिन पहले देखी थी जहाँ पर हिमालयस के एक रीजन में, नॉट इन इंडिया, सम अदर कंट्री, हिमालय के एक रीजन में इतना जो जो ग्लेशियर है मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर का कलर भी ब्लैक कलर का होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशन दैट इज क्रिएटिंग सो मच इन द वर्ल्ड नाउ डेज। कार्बन एमिशन की स्टोरी बहुत लंबी है, उसमें डीप जाएंगे नहीं। देखो ऐसे ना, लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अपनी इंटरसेप्टर भी प्यारी है हमें और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी प्यारा है, क्योंकि एक तो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कंफर्टेबल है, इजी टू चार्ज है, इकोनॉमिकल है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है भाई। 100 रुपये लीटर पेट्रोल जहाँ जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज अ मस्ट एक फैमिली में। आयुष तो रुक ही नहीं रहा है। हाँ भाई, कैसा फील हुआ? बस चलते रहो हैं, पेट्रोल पंप की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी स्मूथ है यार, बहुत राइड। तो मैं यही कहूँगा कि अगर एक फैमिली में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम रखते हैं ना, तो कार्बन एमिशन हम इतना कम कर देंगे अपने देश का फॉर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। तो मार्केट में चॉइस बहुत है, कंपनीज़ बहुत हैं, ईवीज आने लगी हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके ड्रॉबैक्स कुछ हैं कि आउटलेट्स नहीं है, और जैसा भी है यार, चॉइस इज़ योर्स। मैं तो यही कहूँगा कि आप हर गाड़ी को टेस्ट राइड करके देखें। क्यों भाई? उसको एक्सपीरियंस करके देखें। डिज़ाइनिंग में डिफरेंस है, थोड़ी परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, थोड़ी बैटरी बैकअप में डिफरेंस है। तो फॉर मी, मैंने पहली बार अपनी ईवी ट्राई करी है, ओकिनावा इज़ रियली गुड। बाकी आपको जो अच्छी लगे खरीदो यार, बस कार्बन एमिशन को थोड़ा कम करो, दुनिया को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, ये प्यारे प्यारे पेड़ों को बचाओ। तो इसी थॉट से हम लोग करते हैं वीडियो का खत्म भाई आज का, ठीक है? बहुत बढ़िया रही है, थैंक यू वेरी मच आयुष। आयुष मेरे साथ हमेशा इंजॉय करता है और बहुत सपोर्टिव है। तो आयुष के नाम पे एक लाइक और मेरे नाम पे सब्सक्राइब अगर चैनल में नए हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। हैप्पीली अनसेटल्ड।